इंदौर में भाजपा ने नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। आज भाजपा कार्यालय पर इंदौर कोर कमेटी की बैठक संपन्न हुई, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय एवं प्रदेश के गृह मंत्री और इंदौर के प्रभारी मंत्री नरोत्तम मिश्रा सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में आगामी नगरीय निकाय चुनाव सहित अन्य मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। नरोत्तम मिश्रा ने बैठक के बाद कहा कि बैठक में चुनाव प्रबंधन पर बात हुई है, टिकट पर कोई बात नहीं हुई है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि आज चुनाव संचालन समिति, प्रबंध समिति और समन्वय समिति बनी है। नरोत्तम मिश्रा ने इंदौर के मेयर पद के प्रत्याशी चयन को लेकर कहा कि भाजपा का मेयर पद का प्रत्याशी भविष्य के इंदौर की कल्पना को साकार करने वाला होगा। नरोत्तम मिश्रा ने दावा किया कि पिछली बार की तरह इस बार भी 16 नगर निगम में भाजपा का परचम लहराएगा। वहीं इंदौर में महापौर पद के प्रत्याशी चयन में देरी की लेकर पूछे गए सवाल पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा, भोपाल में लोकसभा चुनाव के वक्त दिग्विजय सिंह के सामने प्रत्याशी चयन में देरी को लेकर कहा गया था कि दिग्विजय सिंह बढ़त में हैं, लेकिन लाखों वोटों से उनकी हार हुई थी, यहां भी ऐसी ही हार होगी। टिकट पर कोई बात नहीं हुई, आज चुनाव संचालन समिति बनी है, प्रबंध समिति बनी है, समन्वय समिति बनी है, इनका निर्माण आज हमारे बीच में संगठन के प्रभारी प्रदेश से आदरणीय भगवान दास सबनानी जी थे, सभी सम्मानित मंत्रीगण थे, विधायकगण थे, सभी जिला अध्यक्ष जी के अध्यक्षता में हमने बैठक की है। और कोई सवाल? ऐसे ही आप भोपाल में जब दिग्विजय सिंह का कैंडिडेट घोषित नहीं हुआ था तो कहते दिग्विजय सिंह बढ़त में, फिर हारे थे 3.5 लाख से, ऐसे ही यहाँ पे आप कह रहे हैं उन्होंने घोषित कर दिया, हारेंगे इतने से। भारतीय जनता पार्टी की संगठन की सतत चलने वाली प्रक्रिया है, चुनाव समिति का गठन होगा और उसके बाद प्रत्याशी घोषित होगा। चयन समिति, प्रत्याशी चयन समिति, बताया मैंने कि वो चुनाव चयन समिति होती है, वो उस पर चर्चा करती है।